नमस्कार, विभिन्न समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज की प्रमुख खबरें। नरेंद्र मोदी का पाकिस्तान पर बड़ा हमला। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G20 सम्मेलन के अंतिम दिन आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान पर तीखा हमला करते हुए कहा कि दक्षिण एशिया में एक देश आतंकवाद फैला रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मौजूदगी में मोदी ने कहा कि आतंकवाद को अब बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। ऐसा कहकर मोदी ने सीधे सीधे संदेश दिया कि वह आतंकवाद के खिलाफ कड़े कदम उठा सकता है। मोदी ने कहा कि आतंकवाद फैलाने वालों का बहिष्कार होना चाहिए। नरेंद्र मोदी ने कहा, काले धन पर मिलकर काम करें G20 देश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को G20 देशों से भ्रष्टाचार और काले धन पर लगाम लगाने की दिशा में काम करने की अपील करते हुए कहा कि वैश्विक निवेश के सिद्धांतों को किसी देश पर थोपा नहीं जाना चाहिए। मोदी ने चीन के हांगझाऊ में G20 देशों के शिखर सम्मेलन में विभिन्न सत्रों में कहा कि G20 देशों को काले धन और भ्रष्टाचार के लिए जीरो टॉलरेंस की दिशा में मिलकर काम करना चाहिए। इससे पूरी दुनिया को फायदा होगा। सुप्रीम कोर्ट से MF धोनी को बड़ी राहत। उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को बड़ी राहत देते हुए उनके खिलाफ धार्मिक भावनाएं आहत करने का आपराधिक मामला निरस्त कर दिया। एक पत्रिका के लिए हिंदू देवता विष्णु के अवतार में जूता लेकर फोटोशूट कराने के मामले में धोनी के खिलाफ धार्मिक भावनाएं आहत करने को लेकर आपराधिक मामला दर्ज किया गया था, लेकिन न्यायमूर्ति रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने धोनी को बड़ी राहत देते हुए उनके खिलाफ आपराधिक मुकदमा बंद करने का आदेश दिया। सुशांत रोहिल्ला खुदकुशी मामले में MIT यूनिवर्सिटी से जवाब तलब। उच्चतम न्यायालय ने नोएडा के MIT विश्वविद्यालय के छात्र सुशांत रोहिल्ला खुदकुशी मामले में विश्वविद्यालय प्रशासन से सोमवार को जवाब तलब किया। मुख्य न्यायाधीश TF ठाकुर और न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ की पीठ ने सुनवाई के दौरान कहा कि यह संदेश बरकरार है कि क्या सुशांत का उत्पीड़न तो नहीं हुआ। पीठ ने इस मामले में वरिष्ठ अधिवक्ता FLEEF नरीमन को न्याय मित्र बनाते हुए कहा कि इस केस की सुनवाई इसलिए भी जरूरी है कि अगर कोई कहीं कोई कमी हो तो उसे दूर किया जा सके, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाएं न हों। कश्मीरी पंडितों ने की अलग केंद्र शासित प्रदेश की मांग। जम्मू कश्मीर में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल के पहुंचने से पहले कश्मीरी पंडितों के संगठन पनून कश्मीर ने एक अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाने की मांग रखी है। उनका कहना है कि उन्हें स्थायी रूप से बसाया जाए और उनके लिए अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाया जाए। संगठन का कहना है कि कश्मीरी पंडितों को कोई दूसरा हल स्वीकार नहीं होगा। अब तक के मुख्य समाचार और ज्यादा जानकारी के लिए लॉग इन कीजिए हमारी वेबसाइट www.webdunia.com। नमस्कार।